नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रदेश में अब तक के सबसे विशाल निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने तेजी से चल रहे सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को शाबाशी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर गढ़ी कैंट क्षेत्र के लोगों को जो है शादी विवाह सामाजिक कार्यों के लिए वरदान साबित होगा। तो अधिकारियों के लिए जो है जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण भी किया गया। तो गणेश जोशी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि यहां के लोगों के लिए ये सामुदायिक भवन जो है वरदान साबित होगा। गढ़ी कैंट का क्षेत्र, इसका लगावा क्षेत्र जहां लगभग 30,000 से अधिक की आबादी यहां पर रहती है, यहां पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था। कोई ब्याह शादी इनके फंक्शन होते हैं तो इनको शहर की ओर जाना पड़ता है। 2.5 लाख 3 लाख के वेडिंग पॉइंट मिलते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री को मिले गए यहां पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहां पर बनकर तैयार हो गया है। उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 सितंबर से शुरू किए गए सदस्यता अभियान का 18वां दिन है। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बहादुराबाद के खेड़ली गांव में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसमें 6 साल की सदस्यता होती है जिसके बाद पुनः सदस्यता लेनी पड़ती है। हमारा सदस्यता अभियान लगातार जारी। तो सदस्यता अभियान का 18वां दिन था जहां पर राज्यसभा सांसद ने इसमें शिरकत की। साथ ही कल्पना सैनी ने बताया कि 6 साल की इसमें सदस्यता होती है, उसके बाद जो है पुनः सदस्यता लेने का कार्य किया जाता है। तो राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को ये जानकारी दी। हमारा सदस्यता का अभियान 2 सितंबर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सदस्यता लेने के साथ ही आरंभ हो गया था, जिसे आदरणीय जेपी नड्डा जी ने सदस्यता दिलाई थी। फिर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 3 तारीख में अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सदस्यता दिलाई और फिर जिलों पर सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ जैसे सांसद और हमारे मंत्रीगण कैबिनेट के। ज्वालापुर विधानसभा का लक्ष्य हमारा जो मिला हुआ है उससे आगे हमें जाना है। सदस्यता अभियान के तहत आज हमारी बहन कल्पना सैनी जो राज्यसभा की सदस्य हैं, आज उनके भी 3 जगह कार्यक्रम लगे हैं। खेलड़ी में लगा है और मानुवास में लगा और मजाहिदपुर सतीवाला में लगा। तीनों जगह सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारे कार्यक्रम है और हम अपने लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे। उधर हरिद्वार में ई रिक्शा वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या ट्रैफिक के लिए जो है समस्या बन रही है। ई रिक्शाओं के लिए रूट निर्धारण नहीं किया गया है, लिहाजा हजारों ई रिक्शा बेतरबी जो है ढंग से जो है सड़कों पर दौड़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर ई रिक्शाओं की भीड़ के से जो है अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। हरिद्वार जिले में लगभग 10,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 6,000 से ज्यादा ई रिक्शा अकेले हरिद्वार शहर में दौड़ रहे हैं। बता दें कि एआरटीओ का कहना है कि ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारण और परमिट जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी ई रिक्शा खरीदकर उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी रिक्शाओं का रूट जो है निर्धारण कर ट्रैफिक सुचारू करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है।
तो एआरटीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति जो है ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इसके लिए जो है व्यवस्था की गई है, लेकिन ई रिक्शा के लिए रूट कोई निर्धारित करने के लिए कोई भी जो है अभी योजना नहीं है। तो बेतहाशा बढ़ती हुई ई रिक्शाओं की संख्या कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस के लिए यहां मुसीबत बनी हुई है, जो कि जाम का भी कारण बनते हैं। ई रिक्शा के संख्या निर्धारण के संबंध में हमें उच्चाधिकारियों लेवल से कोई अभी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। कोई भी ई रिक्शा के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमें रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, अन्य शहरों में भी जहां पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं वहां से भी रिपोर्ट आ रही है। संख्या निर्धारित करना, खबर रुद्रपुर से है, जहां चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल पर एक सिख युवक के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज पर आरोप है कि दोपहिया वाहन की चेकिंग के दौरान यह घटना हुई है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है युवक से बदसलूकी का आरोप यहां पर लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो ये वीडियो है शूट किया गया, उसके बाद जो है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बदसलूकी करता हुआ एक वर्दीधारी यहां पर दिखाई दे रहा है, और युवक से यहां पर बदसलूकी का आरोप लग रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर नकली नोट जो है बनाने वाले जो गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साथ ही आपको बताते कि गिरोह में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से तकरीबन जो है 500 रुपए के 451 जो नकली नोट हैं वो बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने देहरादून और हरिद्वार में बड़े पैमाने पर नकली नोट मार्केट में चलाए हैं, जिसकी खोजबीन पुलिस द्वारा की जा रही है। हरिद्वार के SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि रानीपुर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान सौरभ, निखिल और अनंत वीर और नीरज नाम के 4 आरोपियों को पकड़ा है। उनके कब्जे से नकली नोट, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि गैंग के सरगना जो है मोहित और विशाल हैं। दोनों ने पहले यूट्यूब से नकली नोट बनाने का काम सीखा है और गैंग बनाकर देहरादून में नकली नोट छापने का काम शुरू करने लगे। कामयाबी हासिल करते ही पुलिस ने मोहित और विशाल को भी दबोच लिया है। इस गैंग में शामिल सदस्यों ने देहरादून हरिद्वार में नकली नोटों की बड़ी खेप मार्केट में उतारी है, जिसका पता लगाया जा रहा है। एक चेकिंग के दौरान रानीपुर में सुमन नगर के पास में चेकिंग के दौरान जो 2 लोगों को पुलिस के द्वारा रोका गया था, जो संदिग्ध व्यक्ति थे, इनसे जब इनकी चेकिंग की गई तो इनसे कुछ जो नोट हैं 500 के जो नोट हैं वो नकली नोट प्राप्त हुए थे। पुलिस के द्वारा जब इनके और इनके साथियों के बारे में पूछताछ की गई, नकली नोट बनाने वाले 4 गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कि आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के 451 नोट जो है बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने देहरादून और हरिद्वार में बड़े पैमाने पर नकली नोट मार्केट में चलाए हैं।
बता दें कि दोनों ने पहले YouTube से नकली नोट बनाने का काम सीखा और गैंग बनाकर देहरादून में नकली नोट छापने का काम शुरू करने लगे। कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस ने मोहित और विशाल को भी दबोच लिया है। इस गैंग में शामिल सदस्यों ने देहरादून हरिद्वार में नकली नोटों की बड़ी खेप मार्केट में उतारी है, जिसका पता लगाया जा रहा है। उधर भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत 80 से अधिक मेधावी छात्रों का एक समूह अपने भ्रमण के दूसरे दिन देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन पहुंचा, जहां उनका स्वागत ऋतु खंडूरी भूषण ने किया। सभी बच्चे देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के नेतृत्व में आए। इस अवसर पर छात्रों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझने का अनूठा अनुभव प्राप्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें विधानसभा के कार्यों, विधायी प्रक्रिया और सदन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि कैसे कई कार्य किए जाते हैं और जनहित में कानून बनाने की प्रक्रिया में जनता की आवाज को किस प्रकार सुना जाता है। साथ ही बच्चों को संबोधित करते हुए ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि आप सभी उत्तराखंड के भविष्य हैं, शिक्षा आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन घूमने से जो सीख मिलती है वह शिक्षा से भी नहीं मिलती। विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बच्चों को समय दिया और मैंने आपसे कहा कि मेरा ये बहुत बड़ा सपना है अपने सुदूर पहाड़ के बच्चों को मैं कर सकूँ। और मैं जानता हूँ कि जब से मैंने 7 साल पहले से कार्यक्रम को शुरू किया था तो बच्चों को प्रसन्न मिला, 52 से 65% था। आज मुझे केंद्र में खुशी हुई कि बच्चों को जो परसेंटेज है मेरे चार्ट में 96% के बच्चे ही, तो ये मेरा छोटा सा सपना है। मैं बच्चों को हर साल इसके लिए ले जाता हूँ और मैं भी अपने बच्चों की तरफ से ले जाता हूँ। और आप देखिए आज बच्चे जो है स्वास्थ्य पार्क में गए, विधानसभा देखे, अभी मॉल ऑफ जीरो देखेंगे, शाम को ट्रेन में लखनऊ जाएंगे, आईटी कानपुर जाएंगे, वहाँ पर जो वहाँ पर प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा पार्क वहाँ देखेंगे, वहाँ के अतिथि का देखेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है हमारे विधायक जी का और मैं बधाई देना चाहूँगी देवप्रयाग के जो हमारे युवा विधायक हैं, सोच बहुत अच्छी है। बच्चों को जितना शिक्षा हम देते हैं, स्कूली शिक्षा हो तो बहुत अच्छी है, टॉपर भी है ये बच्चे, लेकिन जितनी ट्रैवलिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, जितना नॉलेज वो गेन करता है शायद इतना पढ़ने लिखने से नहीं होता। तो अगर हम अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये एक अनूठा प्रयास जो हो रहा है वो हम सभी को, जो सभी विधायक हैं उनको इसको समझना चाहिए और बच्चों को इंकरेज करना चाहिए और बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। अब जैसे बताया है विधायक जी ने कि यूपी की विधानसभा देखेंगे, खबर हल्द्वानी से है, जहां विधायक सुमित हृदेश ने उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा से हुए नुकसान में प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि गोला पुल में ही 9 करोड़ से अधिक का पिछले वर्ष काम हुआ था, साथ ही उन्होंने एनएचएआई में के ऑडिट की भी बात कही है। आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले साल ऐसा क्या काम किया कि इस बार बरसात में सब बह गया और फिर से आईआईटी रुड़की की टीम को बुलाकर सर्वे किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर काम के नाम पर अभी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इधर आपदा से नुकसान की मार झेल रहे लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सरकार और प्रशासन आपदा के कार्यों में तेजी दिखाने को लेकर गंभीर नहीं है। तो एनएचएआई ने जो पुल पे कार्य करा 9 करोड़ 65 लाख रुपए का, मेरा निवेदन इस राज्य की सरकार से है, प्रशासन से, कि उसका ऑडिट करा ले। हम लोगों ने उस कार्य की समीक्षा उस दिन हमने करी, मैं भी एक इलेक्ट्रिकल वैसे इंजीनियर हूं, हालांकि इंजीनियरिंग से तो बहुत दिनों से पाला नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई आम आदमी भी अगर उसको देख लेता उसमें रेता भर भर के तो उसमें काम हुआ है। आरसीसी का एक कॉलम नहीं, आरसीसी का एक ब्लॉक नहीं, 9 करोड़ 65 लाख रुपए का रेता भर दिया इन लोगों ने, लूट मची हुई है, क्योंकि यहां जिला प्रशासन सोया हुआ है, कोई मतलब नहीं। पूरे शहर को तोड़ने के अलावा, लोगों को परेशान करने के अलावा, लगातार लोगों को नोटिस देने के अलावा, निशान लगाने के अलावा, इस जिला प्रशासन ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा कि जो जनहित का कार्य हम जिसको कह सकते।
उधर काशीपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों ने नेताओं के राहुल गांधी के लिए दिए गए बयानों पर आक्रोशित होकर महाराणा प्रताप चौक पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का पुतला दहन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी की। तो वहीं पीसीसी सदस्य और उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलका पाल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार और उसके मंत्री बेलगाम हो गए हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता से त्रस्त होकर उनके लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार भाजपा सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं के द्वारा लगातार राहुल गांधी जी के खिलाफ अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी, लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, जिनकी हम सब लोग घोर भर्त्सना घोर निंदा करते हैं, जिसके तहत आज हम लोगों ने भाजपा सरकार का और जिन भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी जी के लिए अशोभनीय टिप्पणी की है उनका आज हमने पुतला दहन किया है। अगर भाजपा ने उन लोगों को संरक्षण देना बंद नहीं किया, ये देखिए हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय करण मेहरा जी के निर्देश अनुसार पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में इस बात का विरोध हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का यह पुतला आज महानगर काशीपुर में भी फूका गया है। इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, इन लोगों की जवान बेलगाम हो गई है। उधर खटीमा में मुख्य चौक पर यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र आर्य के नेतृत्व में राहुल गांधी पर बीजेपी मंत्रियों, विधायकों और नेताओं की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर यह मोर्चा खोला गया। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों पर सार्वजनिक रूप से अमर्यादित और अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने, माफी मांगने और पद से हटाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी बीजेपी के अंदरूनी डर और बौखलाहट को दिखाती है। उधर कृमि दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 1 से 19 वर्ष के 37 लाख से अधिक बच्चों को कृमि मुक्ति यानी पेट के कीड़ों को खत्म करने की दवाई खिलाई जाएगी, जिसके लिए एनएचएम
ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि दिवस के लिए हमारी दवाइयां सभी जिलों में पहुंच चुकी हैं। शिक्षा विभाग की तत्परता से इसमें काम कर रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि कृमि मुक्ति की दवाई सभी स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाएगी। कृमि दिवस के अवसर पर जो है एनएचएम ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही साथ एनएचएम निदेशक ने बयान देते हुए कहा है कि जल्द ही जो है इसमें बच्चों को हमारी तरफ से जो है पूरी तरीके से पहल की जा रही है और बच्चों को जल्द ही दवाइयां वितरित की जाएंगी, खिलाई जाएंगी। इसमें एक हम लोग की जो इंटर डिपार्टमेंटल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होती है वो ऑलरेडी कराई जा चुकी है 10-12 दिन पहले, तो सभी विभाग पूरे अलर्ट मोड पे हैं। हमारी जो दवाइयां हैं वो भी जिलों में पहुंच चुकी हैं और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है और जो हमारा 10 सितंबर को डेट इसका फिक्स किया गया है, 10 सितंबर को सभी स्कूल्स में ये दवाइयां बच्चों को खिलाई जाएंगी। उसमें क्या डूज एंड डोंट्स है, उसमें AEFI किस प्रकार से साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, उसमें उस स्थिति में कैसे क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग भी सभी को दी जा चुकी है। और साथ में 10 सितंबर के बाद अगर कोई बच्चा उस दिन एबसेंट है या किसी कारणवश इसको दवाई नहीं दी जा सकी है तो 18 तथा 19 सितंबर को इसका एक मॉपअप सेशन भी रखा गया है जिससे हमारा पूरा 100% डिवॉर्मिंग टैबलेट्स खिलाई जा सके। उधर देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अब तक करीब 9 मामले दर्ज हुए हैं जो न के बराबर हैं। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले मौजूदा समय में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर बीमारियों के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगाने में सिस्टम सफल साबित हुआ है जिसमें डेंगू पर लगाम लग पाई है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। अब ऐसे में जिलाधिकारी सविन बंसल का डेंगू के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि डेंगू के खतरे को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। वहीं आशा कार्यकर्तियों के साथ भी एक संवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया है जिसमें बढ़ते डेंगू के खतरे के साथ जन जागरूकता पर चर्चा की गई है और किस तरह से डेंगू पर काबू पाया जा सकता है इस पर भी जोर दिया गया है। वहीं संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बार काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।